नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज 22 इंडिया। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। झांसी विधानसभा सीट से बीएसपी के प्रत्याशी कैलाश साहू ने अपना नामांकन दाखिल किया। 2.5 साल के कार्यकाल में ईमानदारी से जनता की सेवा की। बहुजन समाज पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी कैलाश साहू ने कलेक्ट्रेट आकर सदर सीट के लिए नामांकन किया। पर्चा दाखिल करने के बाद परिसर से बाहर आते हुए वह पत्रकारों से मुखातिब हुए। उन्होंने बताया कि जनता के बीच राजनीति करने नहीं आए हैं। इससे पूर्व बहन मायावती की सरकार में वह झांसी सदर सीट से विधायक रह चुके हैं। अपने 2.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने जनता की सेवा की। इसके उपरांत आज उन्हें दोबारा बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने झांसी सदर सीट के लिए टिकट दिया। उनका कहना है कि शराब माफिया हो या जुआ सट्टा खिलाने वाले लोग, वह किसी से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ऐसे लोगों को हमेशा जेल का रास्ता देखना होगा। वहीं जनता की मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कहा है कि सरकार आने पर पूरी तरह जनता के लिए समर्पित रहेंगे तथा मूलभूत समस्याओं को हल करना ही उनकी पहली प्राथमिकता होगी। झांसी उत्तर प्रदेश से न्यूज 22 इंडिया के लिए शाहिद खान की रिपोर्ट। राय जी, आज आपने नामांकन किया है, झांसी के क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे आपकी जीत के बाद? देखिये, मैं सबसे पहले तो अपने इष्ट देव श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में नतमस्तक होते हुए हम सबके मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन, जिनकी वजह से आज हम लोगों को विधानसभा में पहुंचने का मौका मिला। और हमारे बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी का हृदय से आभार धन्यवाद व्यक्त करते हुए, और साथ ही बहुजन समाज पार्टी के बुंदेलखंड प्रभारी, मंडल प्रभारी, जिलाध्यक्ष सहित जिले की टीम, विधानसभा अध्यक्ष सहित विधानसभा की टीम, नगर अध्यक्ष सहित नगर की टीम, सेक्टर की टीम, बूथ की टीम सहित हमारी देवतुल्य झांसी की जनता को मैं हृदय से उनका धन्यवाद देता हूं, जिनकी वजह से मुझे झांसी विधानसभा के 2022 का चुनाव लड़ने का मौका मिला है बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर। तो जैसा आपने एक प्रश्न किया है कि मेरा किन मुद्दों को लेकर के हमें चुनाव में जाना है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि झांसी की जो समस्याएं हैं, झांसी मेरे लिए नया नहीं है और झांसी की देवपुर जनता अच्छी तरीके से ये जानती है कि मेरा पूरा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 22 इंडिया, खबर भी असर भी, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।